वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्मार्ट एकेडमी। सो आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, क्या उनके एडमिशन डेट्स हैं, उन सब चीज़ों को हम डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो के अंदर में। लास्ट तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन कैसे लें इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगी। एडमिशन 2023-2024 स्टार्ट हो चुके हैं, कल इसका आखिरी डेट है 30 नवंबर 2022, ये लास्ट डेट है फिलअप करने का, फॉर्म फिलअप का, राइट ये आपको ध्यान रखना है। और पेपर इसका कब है, पेपर 8 जनवरी 2023 को पेपर है। सैनिक स्कूल की जहां तक बात की जाए, किसके अंदर आता है, क्या इसमें फायदे हैं बच्चों को पढ़ाने के, वो सब हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर में। सबसे पहले आप देखिए इंट्रोडक्शन के अंदर में, सैनिक स्कूल सोसाइटी ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये अपने आप काम करता है। और किसके तहत आता है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो डिफेंस मंत्रालय है उसके तहत ये काम करता है। सोसाइटी जो है ये सारे सैनिक स्कूल को रन करती है। सैनिक स्कूल ये इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, मतलब आपके अपने बच्चों को उन्हीं के पास रखना पड़ेगा, वहीं पर हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा। और ये CBSE से एफिलिएटेड है, बहुत अच्छी शिक्षा इन स्कूलों में दी जाती है। इनका जो मेन ध्येय है सैनिक स्कूलों का, कि ये जो बच्चे लोग ले रहे हैं इनको NDA जैसे एग्जाम में बिठाना, उनको क्वालिफाई कराना, इंडियन नेवल एकेडमी में भेजना और दूसरे जो ट्रेनिंग एकेडमीज हैं उनको प्रॉपर एक ऑफिसर बनने की, सोल्जर बनने की तालीम देने वाली जो चीज़ें हैं, डिसिप्लिन सिखाना, हाउ टू स्पीक, हाउ टू लिव, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर इनकलकेट की जाती है। दो ही तरीके से इसमें एंट्री होती है, एक तो क्लास 6th के लेवल पे और एक क्लास 10th के लेवल पे। मतलब अगर आपका बच्चा अभी 5वीं क्लास में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए, जिसमें अगले साल आपके बच्चे का एडमिशन क्लास 6th में हो जाएगा। वहीं अगर आपका बच्चा अभी क्लास 8th में है तो क्लास 9th के लिए वो एलिजिबल है और वो अगले साल क्लास 9th में एडमिशन लेगा, इफ़ ही और शी क्रैक द एग्ज़ाम। ये लड़कियों के लिए भी ओपन कर दिया गया है। हाल फिलहाल में 33 सैनिक स्कूल हैं पूरे देश के अंदर में, और इन सभी में एडमिशन लेने के लिए आपको AISSEE करके जो एग्ज़ाम है, जो NTA लेती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जी हाँ ये वही एजेंसी है जो JEE मेंस के एग्ज़ाम लेती है, ये वही एजेंसी है जो नीट के एग्ज़ाम लेती है, तो वही एजेंसी, सेम एजेंसी इसका भी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराती है। एडमिशन इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन AISSEE। अभी हाल फिलहाल में जो हमारा डिफेंस मंत्रालय है उन्होंने 18 नए सैनिक स्कूलों को अप्रूव किया है, जिसमें NGOs, प्राइवेट स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट्स के पार्टनरशिप, भागीदारी के तहत ये बनाए जा रहे हैं। और ये 18 के 18 जो नए स्कूल्स हैं, जिसे न्यू सैनिक स्कूल NSS करके बोला जा रहा है, ये जो नए सैनिक स्कूल है इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी हाल फिलहाल के लिए क्लास 6th में ही एडमिशन मिलेगा, क्लास 9th में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, पेपर पेंसिल OMR शीट पर होता है, क्लास 6th के लिए भी, क्लास 9th के लिए भी, मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं है, पेपर पेंसिल बेस्ड एग्जामिनेशन है। OMR शीट का एग्जाम, OMR शीट पर एग्जाम लिया जाता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें MCQs आते हैं। क्लास 6th का अगर एग्जामिनेशन पैटर्न देखें तो 4 सेक्शन इन्होंने दिए हुए हैं, लैंग्वेज, मैथ्स, इंटेलिजेंस और GK, ये 4 सेक्शन, जी हाँ, इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग आप यहाँ पे कह सकते हैं। 25 क्वेश्चन लैंग्वेज के आएंगे इंग्लिश से, 50 मैथ्स के आएंगे, 25 ही रीजनिंग के आएंगे और 25 ही GK के आएंगे। सही होने पर जो मार्क्स मिलेंगे 2 लैंग्वेज के लिए, 3 मैथ्स के लिए, इंग्लिश, रीजनिंग और GK के लिए भी 2-2, तो टोटल ये जो मार्क्स हो जाते हैं 300 नंबर का हो जाता है, 125 क्वेश्चन है। इसके लिए जो टाइम मिलता है वो टाइम कितना मिलता है, 150 मिनट में ये पेपर आपको करना होता है, 150 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। वहीं पे 9th की अगर हम बात करें, 9th में एडमिशन लेने के लिए, तो इसमें आपके हो जाते हैं 5 सेक्शंस, पहला मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल साइंस और सोशल साइंस। मतलब जो GK का पोर्शन है, जो यहाँ GK था उसको यहाँ पे 2 अलग भागों में तोड़ दिया गया है, जनरल साइंस में और सोशल साइंस में, ठीक है। सोशल साइंस में आपकी सारी चीज़ें आती हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स थोड़ी थोड़ी, और जनरल साइंस तो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एक जनरल जो तड़का है वो तो इसमें पूछा ही जाता है। 50 क्वेश्चंस आपको मैथ्स के पूछे जाएंगे, 25-25 इंग्लिश रीजनिंग के, 25 जनरल साइंस के और 25 सोशल साइंस के, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। सही मार्क्स मैथ्स में अगर आप करते हैं तो 4, देखिए मैथ्स का पैटर्न कितना अच्छा है, बाकी सब में 2 हैं। 400 नंबर का ये पेपर होता है, 180 मिनट मतलब कि 3 घंटे, 3 घंटे के ये पेपर होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आप कोई रॉन्ग रिस्पॉन्स करते हैं तो, मतलब अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं, शॉर्ट शॉर्ट भी आप लगा सकते हैं। चलिए
सिलेबस देख लेते हैं। क्लास सिक्स के सिलेबस में बात करूं सबसे पहला मैथ्स, क्योंकि मैथ्स के क्लास इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चंस, और ये 25 टॉपिक हैं। नेचुरल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शंस, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइंस एंड एंगल्स, टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, रोमन न्यूमरल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, सर्कल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, प्लेन फिगर्स, डेसिमल नंबर्स, स्पीड एंड टाइम, ऑपरेशन ऑन नंबर्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस, ये सारा रिलेटेड है क्लास सिक्स से। वहीं पे अगर इंग्लिश के बात करें तो इंग्लिश में आपका पैसेज है, प्रिपोजिशन है, आर्टिकल, वोकैबुलरी, वर्ब्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, क्वेश्चन टैग्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टेंस फॉर्म्स, काइंड्स ऑफ नाउंस, प्रोनाउंस, करेक्ट स्पेलिंग्स, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, सेंटेंस फॉर्मेशन, एंटोनिम, सिनोनिम, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कलेक्टिव नाउंस, नंबर, जेंडर, एडवर्ब्स, राइमिंग वर्ड्स, सिंगुलर और प्लूरल, ये सारा का सारा इंग्लिश से है। वहीं पे जहाँ तक रीजनिंग की बात की जाए तो एनालॉजी आती है, कुछ मैथमेटिकल एनालॉजी होती है, कुछ वर्बल होती है, कुछ डायग्राम टाइप में पूछे जा रहे होते हैं कि ये रोटेट करेगा तो कितना आएगा, डाइस के कुछ कुछ होते हैं जिसे हम विजुअल रीजनिंग के तहत भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये क्लास सिक्स का सिलेबस था इंग्लिश और रीजनिंग का, मैथ्स का पीछे मैंने आपको बता दिया। हिंदी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी में ये आपके पास गद्यांश, विशेषण की पहचान वगैरह वगैरह, ये सारा पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। वहीं पे अगर हम इसके साइंस की और जीके की बात करें तो ये पूरा जो जीके है उसका पूरा का पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिला के कितने टॉपिक्स हैं, 28 टॉपिक्स हैं जिन्हें प्रिपेयर करना होगा पांचवी क्लास के बच्चों को छठी क्लास में एडमिशन लेने के लिए इन सैनिक स्कूल्स। साथ ही साथ क्लास नाइन्थ की अगर सिलेबस की हम बात करें तो क्लास नाइन्थ का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, अब इसी बात है क्लास बड़ी तो सिलेबस भी थोड़ा बड़ा होगा। इसमें 29 टॉपिक्स हैं मैथ्स के अंदर में, आप देख सकते हैं पूरे के पूरे वही है जो एट्थ क्लास में हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा मतलब एंट्रेंस लेवल पे पूछा जाता है। इंटेलिजेंस की अगर बात करें यानी कि रीजनिंग की बात करें तो सेम एज क्लास सिक्स में, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है। वहीं पे इंग्लिश में आप देखेंगे तो 32 टॉपिक अब यहाँ पे आ चुके हैं इंग्लिश के अंदर में, स्पॉटिंग एरर से लेके चेंज ऑफ नंबर तक। अगेन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द रेलेवेंट और स्पेसिफिक सिलेबस ऑफ द गिवन क्लासेस विच यू आर गोइंग टू अपियर और योर चाइल्ड इज गोइंग टू बी अपियर। वहीं पे ये पूरा टॉपिक जो है भीम का है, दिस इज फॉर साइंस एंड दिस इज फॉर सोशल साइंस, आप देख सकते हैं फॉसिल फ्यूल से लेके 25 टॉपिक्स हैं एंडोक्रिन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स तक। वहीं पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 से लेके चेंज इन द आर्ट्स, चेंजेस इन द आर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर रिलेटेड। तो ये सारा का सारा सिलेबस क्लास नाइन्थ के, मतलब क्लास एट्थ के बच्चों के लिए क्लास नाइन्थ में एंटर करने के लिए पूछा जाएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट थ्रेड में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, कि आपको जानकारी मिली। बाकी सारे इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो और सारे जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, आप वहाँ पर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ बताइए कि क्या आप इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चाहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चाहते हैं तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।